Hi, this is Rashid Malik, IBA JS from Moro, and this is my YouTube channel preparation for all exams. और जो है आज हम करेंगे कि proportion के वो वाले problems जो descriptive form में होते हैं, जैसा कि आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे, आपको इस तरह के problems को कैसे solve किया जाते हैं, ये एक difficult हैं थोड़े से सवाल, और इसमें arrow method होता है और arrow लगाते वक्त हमसे गलतियाँ हो जाती हैं. तो मैं आज एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से कि एरो कैसे लगाया जाता है और उसके अलावा इसके सॉल्यूशन कैसे निकाले जाते हैं. तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि प्रोपोर्शन की जो है वो दो टाइप्स होती है, ठीक है. एक होती है डायरेक्ट एंड दूसरी होती है इनवर्स. अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है कि जब आपके पास दो क्वांटिटीज आ जाएँ, एक बढ़े तो दूसरी भी आपकी बढ़े, ठीक है, इसको कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन. या एक लो हो तो दूसरी भी लो हो. इसी तरह आपकी इन्वर्स प्रोपोर्शन कुछ इस तरह होती है कि अगर आपकी एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी आपकी क्वांटिटी कम होती है. तो ये होती है इन्वर्स प्रोपोर्शन. तो चलिए इसको मैं जो है क्वेश्चंस के साथ एक्सप्लेन करता हूँ कि ये क्या है और किस तरह होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अब हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन आया है कि इफ़ 20 meter क्लॉथ इज़ यूज टू मेक 4 dresses, हाउ मच क्लॉथ इज़ रिक्वायर्ड टू मेक सच 15 dresses. अब 20 मीटर जो है कपड़ा, वो 4 dresses उसमें बन रही है, तो बताइए कितना कपड़ा रिक्वायर्ड होगा 15 dresses के लिए. अच्छा, ये जो है प्रोपोर्शन के अलावा भी हो सकता है आम, कि आप यहाँ से एक ड्रेस का निकाल लें, एक ड्रेस जो है वो 5 meter का है, तो इस तरह आप 15 का निकाल सकते हैं, 15 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपके पास आप राइट आ जाएगा, ठीक है. उसके अलावा आपको अगर ये प्रोपोर्शन के तहत करना हो तो फिर कैसे होगा, ठीक है. अब प्रोपोर्शन के तहत सबसे पहले ना यहाँ पे जो चीज़ें लिखी गई हैं, आपने क्लॉथ और मीटर की बात हो रही है, तो वो यहाँ पे आपने हेडिंग में लिखना है कि क्लॉथ हो रहा है लेकिन किस में, मीटर में. उसके अलावा आपके पास यहाँ पे बात हो रही है ड्रेसेस की, तो यहाँ पे आपने हेडिंग में ड्रेसेस लिखना है, ठीक है. अब पहली कंडीशन में लिखा है कि 20 meter कपड़ा हो तो ड्रेसेस बनेंगे आपके 4. फिर दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि कितना कपड़ा रिक्वायर्ड हो, यानी कितना जो चीज़ मालूम करनी है उसकी जगह पे अपने वेरिएबल लिख लेना है. मैंने x लिखा है, आप कोई भी लिख सकते हैं इसकी जगह पे. और उसके अलावा फिर बताया गया है कि 15 dresses जो हैं तैयार होंगी उसमें से. अब ये डेटा लिखने के बाद अब हम यहाँ पर हमने एरो सेट करना है, लेकिन एरो सेट करने से पहले हमने ये डिसाइड करना है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इन्वर्स प्रोपोर्शन है. अब आप इस स्टेटमेंट को जब रीड करेंगे तो आपको तकरीबन पता चल जाएगा कि ये 20 मीटर कपड़े में आपके 4 dress बन रहे हैं, तो फिर हमारे जो 15 dress बनेंगे, जाहिर सी बात है वो 20 मीटर से ज़्यादा ही बनेंगे, क्योंकि 4 dress आपके 20 मीटर में बन रहे हैं. तो फिर 15 dresses जो हैं आपके वो कितने में बनेंगे, वो जाहिर सी बात है इससे ज़्यादा में ही बनेंगे. तो आगे चलते हैं. अब यहाँ से हमने डिसाइड कर लिया कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, इट मीन्स कि आपने यहाँ पे एरो सेम डायरेक्शन में लगाने हैं, या आप ऊपर वाली साइड एरो लगा सकते हैं या आप नीचे वाली साइड लगा सकते हैं. मैंने दोनों ऊपर लगाए, आप दोनों नीचे वाली साइड भी एरो लगा सकते हैं, ठीक है. अच्छा, ये लिखने के बाद आपने फिर इसको प्रोपोर्शन वाली फॉर्म में लेकर आना है. ये एक चीज़ है जो समझने वाली है, जिस क्वान्टिटी के साथ टेल होगी उसको आपने आगे लिखना है, यानी एक्स रेशो 20 लिखना है आपने. उसके बाद प्रोपोर्शन की सिंबल 4 dots लगाएंगे, उसके बाद फिर ये 15 जो है इसके साथ है, तो आपने यहाँ पे 15:4 आपने लिख लेना है, ठीक है. ये प्रोपोर्शन की फॉर्म में जब आ गया तो आपको प्रोपोर्शन की कंडीशन मैंने बताई थी कि फर्स्ट एंड लास्ट नंबर को कहा जाता है एक्सट्रीम्स, और बीच वाले दो नंबर को कहा जाता है मीन्स. और प्रोपोर्शन की कंडीशन है कि फर्स्ट एंड लास्ट की मल्टीप्लीकेशन बीच वाले दोनों नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन के बराबर होती है. अब ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं, जिनके मैं फुल फॉर्म बता देता हूँ. ये लिखा हुआ है POE, यानी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. मीन्स यानी कि जो बीच वाले नंबर्स हैं आपके सेकंड एंड थर्ड पे लिखे हुए हैं, एक्सट्रीम यानी कि फर्स्ट एंड लास्ट नंबर, तो इनकी मल्टीप्लीकेशन आपस में बराबर होती है, ये प्रोपोर्शन की कंडीशन है. तो चलिए इसकी इसी के तहत हम मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों को, आपका हो जाएगा ये 4x एंड बीच वाले हो जाएंगे 15:20. तो अब आपने क्या करना है, x की वैल्यू मालूम करनी है, देन 4 आपका जो है राइट साइड पर चला जाएगा, यानी 15:20/4. अब वो ये 4 का टेबल 20 के ऊपर 5 times, एंड 15 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा आंसर फाइनल 75 meters. तो देखें हमारे पास ड्रेस भी इंक्रीज हुए, यहाँ पे 4 थे, यहाँ से 15 हो गए, और पहले 20 meter था, और कपड़ा भी हमारा फिर ज़्यादा लगा. इट मीन्स यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन के तहत हमारा आंसर बिल्कुल राइट आया. तो चलिए इस तरह का एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, देखते हैं कि उसमें क्या है.
उसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा है कि इफ थ्री पाइप्स कैन फिल अ टैंक इन 80 मिनट्स। देखिए जैसे ही आपके पास हेडिंग में जो चीज़ें आ जाए ना, उस वक्त आप हेडिंग में लगा लें, यानी यहाँ पे बात हो रही है टाइम एंड पाइप्स की, तो आपने यहाँ पे लिख लेना है पाइप्स एंड यहाँ पे लिख लेना है आपने टाइम, लेकिन टाइम किस में, मिनट में बात हो रही है तो यहाँ पे आप मिनट्स में लिख सकते हैं। ठीक है, आप खाली मिनट भी लिख सकते थे, लेकिन ये टाइम की स्पेसिफिक बात हो रही है। अब यहाँ पे पुटिंग कर लेंगे, तीन पाइप्स हैं और आपके पास मिनट्स लग रहे हैं 80। फिर आगे पूछ रहा है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द टैंक इफ फाइव पाइप्स आर यूज्ड, यानी ये वाला आपको अगला जो टाइम है वो नहीं मालूम, लेकिन पांच पाइप यूज करें तो टाइम कितना लगेगा। तो यहाँ पे जो है आपने लिख लेना है वाई, यानी वेरिएबल नहीं मालूम तो यहाँ पे वेरिएबल लिख लेते हैं हम वाई। अब हमने यहाँ पे एरो सेट करना है, लेकिन एरो सेट करने से पहले आपने ये समझना है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स प्रोपोर्शन है। अब ये कॉमन सेंस है कि तीन पाइप 80 मिनट ले रहे हैं तो पांच पाइप 80 मिनट से कम लेंगे। अब इसको अगर आप ऐसे नहीं समझ में आ रहे तो इसको आप अपनी आम लाइफ में ले जाएं। आम लाइफ में कैसे कि आपके घर पे, हर किसी के घर पे एक एक मोटर लगी हुई है और वो टंकी को भरती है, तकरीबन 30 से 40 मिनट लग जाते हैं। हमारे पास तो 30 से 40 मिनट लगते हैं। अगर मैं उसकी जगह पे, और हमारे पास लाइट वाली मोटर है, मैं बिलफर्ज लाइट वाली मोटर के साथ सोलर वाली मोटर भी लगा देता हूँ और टंकी को फिल करता हूँ, तो वो जो मेरे 40 मिनट्स में टंकी फिल होती है वो कम में होगी, क्योंकि पाइप्स ज़्यादा चले जाएंगे ना मोटर से, एक मोटर लगी हुई है फिर मैंने दूसरी लगा दी, तो टाइम मेरा कम लगेगा। यानी पाइप्स बढ़े तो टाइम कम लगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एक चीज़ बढ़ी दूसरी चीज़ कम हुई, इट मीन्स कि ये हो गई इनवर्स प्रोपोर्शन। तो बिल्कुल एज इट इज़ यहाँ पे भी तीन पाइप हैं, 80 मिनट ले रहे हैं, तो यहाँ पे पांच पाइप लगाएंगे तो 80 मिनट से वो कम लेंगे। इट मीन्स कि एक चीज़ बढ़ी और आपकी दूसरी चीज़ कम हुई, तो यहाँ पे आपने एक यूरो ऊपर लगाना है, एक यूरो नीचे लगाना है। अब इसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है कि आप कौन सा एरो ऊपर लगाना चाहते हैं कौन सा नीचे, आप कोई सा भी एक ऊपर लगा लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं ये ऊपर लगा लेता हूँ एरो, तो ये आपने नीचे वाली साइड लगाना है। अब इसके बाद आपने जो प्रोसेस है वो ये करना है कि टेल इसके साथ है तो आपने इसको आगे लिखना है 3:5। इसी तरह फिर प्रोपोर्शन के 4 डॉट्स लगा ले, ये वाई के साथ टेल है तो आपने इसको आगे लिखना है, मतलब ये 80। तो मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर दिया था कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इसके साथ, ये कंडीशन है प्रोपोर्शन की, यानी यहाँ पे हो जाएगा 5y = 3 × 80। हमने y की वैल्यू मालूम करनी है, देन 5 जो है राइट साइड पे आ जाएगा और आपका 5 का टेबल 80 के ऊपर 16 लाइन लग जाएगा, यानी 16 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 48 मिनट्स। तो देखें बिल्कुल आपका सवाल सही हुआ कि पांच पाइप थे तो मिनट आपके लग गए 48। देखिए पहले 80 थे क्योंकि पाइप तीन थे, फिर जैसे ही पाइप इंक्रीज हुए तो टाइम 80 मिनट से कम हो गया। तो ये था इनवर्स एक प्रोपोर्शन का एग्जांपल। अब इसी तरह का हम दूसरा देख लेते हैं एग्जांपल कुछ। अब यहाँ पे कुछ वर्क प्रॉब्लम आए और इस तरह के प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आते हैं और आपके जो अपकमिंग एग्जाम अभी होने वाले हैं FIA और PST GST के हवाले से, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस तरह के सवाल आ सकते हैं। अब यहाँ पे देखें इफ 4 वर्कर्स कंप्लीट अ जॉब इन 8 आवर्स। अब यहाँ पे बात हो रही है वर्कर्स की और आवर्स की, यानी टाइम की, तो यहाँ पे आप वही हेडिंग लगा लेंगे कि वर्कर एंड जो है आपके पास टाइम की बात हो रही है, तो आपने यहाँ पे लिख लेना है टाइम, टाइम इन आवर्स। ठीक है, 4 वर्कर हैं और टाइम कितना ले रहे हैं 8 आवर्स, तो यहाँ पे मैंने 8 लिख दिया। उसके बाद क्या करें, फाइंड आवर्स, यानी आवर्स की जगह पे आपने x लिख लेना है। ये वेरिएबल कोई भी लिख सकते हैं आप, x के अलावा y के अलावा भी। अच्छा, वर्कर जो है वो फिर हो गए 8। चलें अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसके अलावा ये सवाल बिना हल किए भी आपका शॉर्टकट वे से हो सकता है, ये IQ लेवल का भी सवाल है। ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन बाद में करता हूँ IQ लेवल का, लेकिन पहले मैं आपको मैथमेटिकल वे बता दूँ। अब ये सारा कुछ लिखने के बाद एरो सेट करना होता है, और एरो सेट ऐसे करना होता है, हमने डिसाइड करना था ये 4 वर्कर हैं, 8 घंटे ले रहे हैं, तो 8 वर्कर होंगे तो टाइम कम लेंगे। अब ये मैंने डिसाइड कर लिया। अब मैंने कैसे डिसाइड किया, अगर आपको ऐसे ना समझ में आए तो आप इसको आम लाइफ में ले जाएं, अपनी आम लाइफ में देखें कि आपका जब घर आप तामीर करवा रहे होते हैं तो आप बिलफर्ज आपके पास वहाँ पर मजदूर हैं, 10 मजदूर हैं, तो वो आपका 2 महीने में काम करते हैं। ठीक है, अगर मैं वहाँ पे मजदूरों की तादाद कम कर देता हूँ तो वो 2 महीने वाला काम आपका 4 महीने में चला जाएगा। इट मीन्स क्या हुआ कि मजदूर बढ़ रहे थे तो टाइम कम लग रहा था,
और मजदूर अगर मैंने कम किए तो टाइम बढ़ रहा है, अगर मजदूर बढ़ा दूंगा तो फिर टाइम कम लगेगा। इट मीन्स कि ये हो गई इन्वर्स प्रोपोर्शन, आपने कोई सा भी एक ऊपर लगा लेना है। फॉर एग्जांपल मैं इसको ऊपर लगा रहा हूँ तो इसको आपने नीचे लगा लेना है, अगर आप इसको ऊपर लगाएंगे तो फिर इसको नीचे लगा देना है। इसके बाद आपने टेल सेट करना है, यहाँ पे टेल होगा 8:4 एंड प्रोपोर्शन, उसके बाद फिर ये हो जाएगा 8:x। अब वो कंडीशन है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे, यानी 8x = 4/8। अब आपने वैल्यू मालूम करनी है x की, देन 8 राइट साइड पे ले आएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, 8 में कट गया और इसके अलावा आपका 4 आवर्स जवाब आ गया। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि इस तरह का सवाल आ जाए तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्ट भी हो सकता था। वो कैसे, मैं आपकी जगह पे होता तो मैं इसको शॉर्टकट वे में डायरेक्ट कर लेता। अब देखें भाई, 4 वर्कर हैं तो 8 घंटे लग रहे हैं। अब यहाँ पे वर्कर हो गए डबल, देखें 4 से 8 हो गए, वर्कर हो गए डबल तो टाइम आपका हो जाएगा हाफ। ये डबल हो गया तो ये हाफ हो जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा 4 आवर्स। बिल्कुल ये इसका डबल हुआ है तो ये इसका हो जाएगा हाफ। तो इनवर्स प्रोपोर्शन में एक चीज़ याद रख लें कि अगर आपका एक चीज़ डबल हो जाए तो दूसरी चीज़ हाफ होती है। ऐसे ही मैंने आपके सामने ये सवाल लिखा कि 4 वर्कर हैं तो फिर 8 हो गए, इट मीन्स यहाँ पे 8 आवर लग रहे थे तो यहाँ पे आवर्स 4 हो जाएंगे। ठीक है, तो आप ये इसको शॉर्टकट में भी कर सकते हैं जब आपके सामने इस तरह के सवाल आ जाए तो टाइम आपका बच सकता है इस तरह, वरना मैथमेटिकल वे भी मैंने आपको बता दिया। तो अब यहाँ पे देखें, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कि अ व्हीकल ट्रेवल्स 120 किलोमीटर इन 2 आवर्स, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 6 आवर्स। तो यहाँ पे जो बात हुई है, डिस्टेंस की बात हुई है और आवर्स की बात, यानी टाइम की बात हुई है, आपने लिखना है यहाँ पे डिस्टेंस एंड डिस्टेंस इन किलोमीटर्स, एंड उसके अलावा टाइम की बात हुई है तो आपने यहाँ पे टाइम्स लिख देना है। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, पहले 120 किलोमीटर है 2 आवर्स में, उसके बाद आवर्स है हमारे पास 6। ठीक है, डिस्टेंस नहीं मालूम, उसकी जगह पे आपने वेरिएबल लिख लेना है। अब इसको एरो से पहले सोचना है कि 2 घंटे अगर आपकी गाड़ी चल रही है तो वो 120 किलोमीटर तय कर रही है, तो बताइए 6 घंटे में वो कितना सफ़र तय करेगी या कितना फासला तय करेगी। इसका मतलब ये होगा कि आप गाड़ी ज़्यादा चलाएंगे तो वो ज़्यादा सफ़र तय करेगी। इस तरह की एक स्टेटमेंट बिलावल भुट्टो साहब की रिसेंटली आई थी बारिश के ऊपर, कि जब बारिश होता है तो ज़्यादा पानी आता है, जब ज़्यादा बारिश होता है तो ज़्यादा पानी आता है। बिल्कुल एज इट इज़, ये एक तो एक फ़नी स्टेटमेंट थी उनकी, एज इट इज़ ये भी यहाँ पे भी यही है बात कि आप अगर गाड़ी 2 घंटा चलाते हैं तो 120 किलोमीटर का फासला तय करेगी, 6 घंटा चलाएंगे तो जाहिर सी बात है वो 120 से ज़्यादा करेगी। इट मीन्स ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन हुई, एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है, तो आपने दोनों सेम डायरेक्शन में लगाने हैं। अब यहाँ पे आप दोनों एरो नीचे लगाएं या दोनों एरो ऊपर, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है जी। तो अब आपने इसको प्रोपोर्शन में ले आना है, यहाँ से इसके साथ है ये 120 टेल इसके साथ है ना एरो की, तो इसको आगे लिखना है, इसको आपने यहाँ पर लिखना है, इसके बाद फिर ये टेल 2 के साथ है और इसके अलावा ये 6 यहाँ पे। तो कंडीशन के तहत इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें और इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें, यानी 6 × 120 = 2 × x। हमने मालूम करनी है x की वैल्यू, देन 2 आपका आ जाएगा इस साइड, तो आपके पास क्या हो जाएगा 6 × 120/2। 2 का टेबल जो है वो 6 के ऊपर 3 times, एंड 3 को आप 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 36, और ये वाला 0 जो है वो आप इसके साथ लगा देंगे, यानी जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा वो 360 किलोमीटर ट्रेवल्ड होगा। ठीक है, तो इसके बाद एक और एग्जांपल जो है हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ कार कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस इन 6 आवर्स। अब यहाँ पे बात हो रही है डिस्टेंस की, अच्छा डिस्टेंस की नहीं, यहाँ पे टाइम की बात हुई है तो आपने यहाँ पे एक हेडिंग लगा लेनी है टाइम की। अच्छा, टाइम एंड स्पीड की बात हो रही है तो यहाँ पे आपने टाइम एंड स्पीड की हेडिंग लगा लेनी है। तो पहली कंडीशन में लिखा हुआ है कि 6 घंटे, स्पीड कितनी में चले गाड़ी 50, लेकिन यहाँ पे भी आप हेडिंग में लिख लेंगे 15 किलोमीटर पर आवर, और टाइम की बात हो रही है आवर्स की। ठीक है, आपने मुकम्मल हेडिंग सही करके लगानी है, 50 किलोमीटर पर आवर चल रही है गाड़ी, 6 घंटे में एक डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। उसके बाद क्या आ रहा है कि इन वाट टाइम, टाइम की जगह पे आपने एक्स लिख देना है क्योंकि वो मालूम करना है। अगला सेम डिस्टेंस विल कवर इन 60। अच्छा, फिर अगर आपकी गाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर पे चले तो फिर वो कितना देगी। भाई स्पीड और टाइम की इन्वर्स प्रोपोर्शन होती है। अगर आपको मेरी बातें ये समझ में ना आए तो इसको चीज़ों को आप उठा के अपनी आम लाइफ में ले जाएं। देखें, आप किसी भी सिटी में जाते हैं,
अपनी कार टैक्सी करवा के तो आप टाइम से पहले पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि टैक्सी जाती है स्पीड में, कहीं रुकती नहीं और स्पीड में जाती है, तो फिर आपका टाइम कंज्यूम कम होता है। अगर आप किसी और सिटी जाते हैं लेकिन लोकल बस के थ्रू, तो फिर आपको ज़्यादा टाइम क्यों देखने को मिलता है, मतलब ज़्यादा टाइम क्यों लगता है, क्योंकि गाड़ी की स्पीड स्लो होती है। तो यहाँ पे आपने क्या डिसाइड कर लिया कि एक चीज़ बढ़ी तो दूसरी चीज़ कम हुई, यानी आपने एक जो है एरो ऊपर लगाना है और दूसरा एरो नीचे वाली साइड। तो आपने यहाँ से फिर जो है सेटिंग करनी है इसकी, कि ये जो है इसके साथ टेल है, यानी 50 को आपने आगे लिखना है एंड 60 को पीछे, एंड देन फिर प्रोपोर्शन की सिंबल, ये एक्स आगे होगा एंड 6 पीछे। तो आपने ये फिर जो है कंडीशन के फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करना है एंड सेकेंड एंड थर्ड को मल्टीप्लाई करना है, ये मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ जी। यहाँ पे होगा 50 × 6 = 60 × x। तो हमने वैल्यू मालूम करनी है x की, देन 60 जो है वो इधर ले आएंगे, तो यानी 50 × 6 / 60 आ जाएगा। अब ये 0 0 में कट गया और यहाँ पे 6 6 में कट गया, यानी आपके पास आंसर आ गया 5 आवर्स। देखें वही बात हुई कि 50 किलोमीटर/आवर पे गाड़ी चल रही थी तो 6 घंटे में एक फासला तय कर रही थी, जैसे ही स्पीड बढ़ाई 60 हो गया, 60 किलोमीटर/आवर से चलाई, तो फिर जो है टाइम रिड्यूस हो के 5 आवर्स में हो गया, यानी स्पीड बढ़ाई तो टाइम कम लगा। तो एक लास्ट एग्जांपल और कर लेते हैं और उसके बाद क्लास को एंड करते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, 6 नंबर, ए स्टूडेंट रीड्स 30 पेजेस ऑफ अ बुक इन 4 डेज। अब यहाँ पर बात हो रही है पेजेस एंड डेज, ठीक है। तो यहाँ पर आपने हेडिंग लगा लेनी है पेजेस एंड डेज। उसके बाद यहाँ पे पेजेस कह रहा है कि 30 पेजेस आपके 4 डेज में एक स्टूडेंट पढ़ रहा है, तो वह रहा है बताएं कि हाउ मैनी पेजेस। तो पेजेस की जगह पे आपने लिख लेना है एक्स, ठीक है, मेरा फेवरेट एक्स है, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे उसके बाद आगे क्या है कि वो जो है 10 दिन में कितने पेज रीड करेगा। ये सारा कुछ लिखने के बाद एरो को सेट करना है, लेकिन एरो को सेट करने से पहले डिसाइड करना है कि ये कौन सी प्रोपोर्शन है। देखें कि ये आम सी बात है, आम लाइफ की बात है, आप देख सकते हैं कि 30 पेजेस 4 दिन में पढ़े जा रहे हैं, तो बताइए 10 दिन में कितने पेजेस पढ़ेगा। जाहिर सी बात है 4 दिन में 30 पढ़ रहा है तो 10 दिन में ज़्यादा ही पढ़ेगा, 30 से तो ज़्यादा ही होंगे। इट मीन्स आपके डेज भी बढ़े, पेजेस भी बढ़े। तो यहाँ पे हो गई डायरेक्ट प्रोपोर्शन, आप दोनों एरो ऊपर या दोनों नीचे लगाएंगे, तो मैं यहाँ पे ऊपर लगा रहा हूँ, अगर आपने नीचे वाली साइड लगाया तो आपका आंसर फिर भी सेम ही आएगा जी। तो ये इसके साथ लगाएंगे एरो, इसके साथ टेल इसके साथ है, तो एक्स को आगे एंड 30 को पीछे, फिर उसके बाद प्रोपोर्शन की 4 डॉट्स आ गए और ये 10 इधर लिखेंगे न्यूमिनेटर वाली साइड, क्योंकि ये रेशो में जो आगे लिखा जाता है इसको न्यूमिनेटर भी कहते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में। अच्छा, 4 को इधर, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और इसको इसके साथ, यानी आपके पास आंसर क्या आएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × x = 30 × 10, हमने मालूम करनी है वैल्यू x की, देन 4 को जो है वो राइट साइड पे ले जाएंगे, 30 × 10/4। तो ये 4 को अगर आप तोड़ के लिख लें दो चीज़ों में, 2 × 2, तो ये 2 जो है इसके ऊपर लग जाएगा टेबल 15 टाइम, एंड अगेन 2 का टेबल इसके ऊपर लग जाएगा 5 टाइम्स, यानी 15 और 5 का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा आंसर 75 पेजेस, यानी 10 डेज में एक स्टूडेंट जो है वो फिर 75 पेजेस पढ़ेगा। तो ये था मेरा आज का क्लास, और एक्सप्लेन किया अच्छे से कि कैसे एरो फिक्स किया जाता है और कैसे समझा जाता है। तो ये मुख्तलिफ क्वेश्चंस हैं और ये मुख्तलिफ टेस्ट में आते हैं, इस तरह के फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के आपके एग्जाम्स हो, या आपका BST GST का हो, या आपका जो है अभी FIA के होने वाले हैं टेस्ट, उसमें से भी इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और ये आज का टॉपिक समझ में आया होगा। तो अगर आपको मेरी चीज़ें समझ में आई हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों को बआसानी मिल सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।